नमस्कार हम सभी एस्प्रिन का यूज़ करते हैं और ये एस्प्रिन पिछले ढाई सौ साल से एलोपैथिक सिस्टम में यूज़ किया जा रहा है इस ड्रग का इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है कि इसका नाम गिनीज़ बुक के अंदर एंटर किया गया है एज ए लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग और इस ड्रग को ओ कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और इस ड्रग को ये समझा जाता है कि यह ड्रग हमारे बॉडी के लिए सेफ़ है आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे क्या ये एस्प्रीन हमारे बॉडी के लिए सेफ़ है क्या ये एसप्रीन हमारे बॉडी पे कोई टॉक्सिक इफेक्ट या पॉइजनस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है क्या हम इस ड्रग को एज़ यूजुअल ले सकते हैं इस ड्रग की इम्पोर्टेंस इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये पिछले 250 साल से यूज़ किया जा रहा है और बहुत सारे न्यू ड्रग्स को हम लोग इन्वेंट कर चुके हैं उसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं हो पाया है जिसे हम कह सकें इट इज़ बेटर दैन एज एज ए पेन किलर एस्प्रे हम लोग वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, टू ट्रीट एंटी रोमेटिक फीवर रोमेटॉय अर्थराइटिस टू प्रिवेंट स्ट्रोक और टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी सारी यूज़ हैं इतनी सारी कॉमन यूज़ हैं और इसे फ्रिक्वेंटली हम सभी इसे यूज़ करते हैं तो आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ड्रग हमारे बॉडी के लिए सेफ है या नहीं है इस ड्रग की क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट है क्या ये ड्रग पॉइजन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है इन सभी चीज़ की जानकारी आज हम हासिल करेंगे सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इस ड्रग का रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक पे क्या इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है रीनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है और हिपेटिक सिस्टम मीन्स हमारे लीवर के ऊपर इस क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये सारी, के सारी की सारी हमारी बॉडी की वाइटल ऑर्गन्स हैं और हम लोग आज ये जानेंगे क्या ये ड्रग इन वाइटल ऑर्गन के लिए यूजफुल है या इन वाइटल ऑर्गन पर अपना कोई साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो आइए चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं दैट इज़ द एस्प्रिन और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन और हम किसे नाम दे सकते हैं शैली तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ड्रग का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब हम इस ड्रग का थेराप्यूटिक डोज बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे उस समय इस ड्रग का एक्शन हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं मस्कुलर सिस्टम्स हैं उन मस्कुलर सिस्टम स्पेशली स्केल्टल मसल्स के ऊपर ये मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है यूजुअली ये हमारे बॉडी के अंदर का जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिक रेट है उस मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कर देता है हम सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती हैं और ग्लूकोज हमारे हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। अब ये जो एस्पिरिन होगा ये एस्पिरिन इस मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का जब मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे बॉडी की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा और जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेट ऑफ़ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा मीन्स जब हम थेरापूटिक डोज में इस ड्रग को देते हैं अपने बॉडी के अंदर उस कंडीशन में ये हमारे एस्केटल मसल्स के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर रहा है और दूसरा हमारी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उस रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज कर रहा है जब हम डोज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे मीन्स जब हम इसे हायर डोज में लेंगे उस कंडीशन में ये ड्रग मीन्स जो एस्प्रिन है वो हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन में मेडुला होती हैं और उस मेडुला के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर होंगी उस रेस्पिरेटरी सेंटर को ये स्टिमुलेट करेंगी और उस रेस्पिरेटरी सेंटर के स्टिमुलेट होने से जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेट ऑफ़ रेस्पिरेशन फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा मीन्स थेरापेटिक डेज में डोज में ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेंगी बिकॉज कि ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर रही हैं तो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन आवर हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेट ऑफ़ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा और जब हम हायर डोज देंगे तो एक और इफ़ेक्ट आएगा कि एस्प्रिन हमारे बॉडी के अंदर जो मेडुला एबलंगाटा है दिस इज द मेडुला एबलंगाटा इस मेडुला एबलंगाटा को ये एस्टिमुलेट करेगी और जब इस मेडुला को एस्टिमुलेट करेगी इसका रेस्पिरेटरी सेंटर को एस्टिमुलेट करेगी उससे क्या होगा कि हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा इस हायर डोज का दैट विल बी द हाइपर वेंटिलेशन एंड रेस्परेटरी अल्केलोशिस हाइपरवेंटिलेशन वेंटिलेशन क्या है ये हम सभी को मालूम हो गए हाइपर मीन्स ज़्यादा और वेंटिलेशन मीन्स गैस का एक्सचेंजेस मीन्स जो ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है वो एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा हमारे बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी अब दूसरा तो वर्ड है दैट इज द रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वेरी सिंपल कि हमारे बॉडी के अंदर जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा मीन्स बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ब जो ब्लड होगी वो ब्लड हमारी एसिडिक हो जाएगी और इसे हम लोग वर्ड देते हैं इट इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बाई प्रोडक्ट है उसके चलते जो ब्लड का पी है वो एसिडिक हो रहा है तब तो उसे कहेंगे हम लोग इट इज़ द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अब जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का वल इंक्रीज होगा हमारी बॉडी उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने की कोशिश करेंगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे जो मेडुला आता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इस रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर रही हैं देखिए रेस्पिरेटरी सेंटर दो कारणों से एस्टिमुलेट हुआ पहला तो जो एस्प्रीन एसट है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को एस्टिमुलेट कर रहा है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी रेस्पिरेटरी सेंटर को एस्टिमुलेट करेगा और जब रेस्पिरेटरी सेंटर एस्टिमुलेट होंगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होने लगेगा इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड का पीएच है वो पीएच अल्कलाइन होने लगेंगी और उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज द रेस्पिरेटरी तो हम लोगों ने ये जाना कि जो एस्प्रीन है वो स्प्रीन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद जो अल्टीमेट इसका रिजल्ट होगा दैट इज द हाइपर वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस अब हम लोग आते हैं इसके फर्दर यदि हम डोज को इंक्रीज करें मीन्स अब डोज यदि वो टॉक्सिक डोज में कन्वर्ट हो रहा है उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी डिप्रेस हो जाएंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो गई और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी डिप्रेस हो जाएंगी तो क्या होगा कि हमारी जो रेस्परेशन है वो रेस्परेशन डिप्रेशन में चला जाएगा और जो रेस्परेटरी सिस्टम है उस पर पैरालिसिस अटैक हो जाएंगी अब जब रेस्परेटरी पैरालिसिस हो जाएंगी इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया अब दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि जो हमारी एस्प्रिन है वो हमारे वैसो मोटर को भी डिप्रेस करेंगी इन द हायर डोज फर्दर डोज को हम इंक्रीज करेंगे और वैशो मोटर का मतलब क्या हो गया वैशो वर्ड आया है फ्रॉम द वेसल्स, मीन्स जो ब्लड वेसल्स है मीन्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो जिस सिस्टम के द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल हो रही है, जिस नर्वस सिस्टम के द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल हो रही हैं उससे हम लोग कहते हैं इट इज़ द वैशो मोटर अब जो वैशो मोटर डिप्रेस हो जाएगा उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो गया? कि सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएंगी सर्कुलेटरी कोलैप्स का मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा कि इट विल कॉज डेथ मीन्स यदि हम एस्प्रिन का एक्सेस डोज ले लेंगे हायर डोज लेंगे उस कंडीशन में जो एस्प्रिन होगा इट मे कॉज डेथ और डेथ का दो मेन कारण होगा दैट इज द रेस्पिरेटरी फेल्योर ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सर्कुलेटरी फेल्योर सर्कुलेटरी कोलैप्स ड्यू टू वैसोमोटर डिप्रेशन इससे ये पता चल रहा है कि एस्प्रिन सेफ ड्रग है लेकिन यदि किसी भी कारण से यदि इसका डोज हमने ज़्यादा ले लिया हायर डोज ले लिया तो उस कंडीशन में ये डेथ कॉज भी कर सकता है तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि एस्प्रिन का रेस्परेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये अफेक्ट कर रहा है उससे हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को क्या डिस्टर्बेंस हो रही है या हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो रहा है अब देखिए हम लोग जान चुके हैं कि स्प्रिंग लेने से हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती हैं और उससे हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन प्रोड्यूस करेंगे और उस हाइपर वेंटिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होगा और जब कार्बन डाइऑक्सक्रीट होगा तो वहाँ पर वो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस प्रोड्यूस करेगा में जो ब्लड का पी है वो ब्लड का पी एच इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा अब ये तो हमारी एसिड बेस बैलेंस हुआ मींस जो एस्प्रिन है हमारे बॉडी के हमारे ब्लड के एसिड बेस बैलेंस को भी डिस्टर्ब करेंगी पहले ये ब्लड के जो पीएच होगा उसको एसिडिक मिल ले जाएंगी फिर हमारी बॉडी उसके ऊपर उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करेंगी और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो बॉडी के अंदर रेस्परेटरी अल्कलोसिस से डेवलप हो जाएंगे मीन्स हमारे जो एसिड बेस बैलेंस है वो एसिड बेस बैलेंस से ब्लड का डिस्टर्ब हो गया दूसरा क्या क्या जा रहा है कि जब हम टॉक्सिक डोज इसका लेंगे तो उस कंडीशन में हम जान चुके हैं कि इस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस होगा नतीजा क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एक्सक्रीट नहीं होगी और वहां पर वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्रोड्यूस करेगी दिस इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दूसरा क्या हो गया कि ग्लु, जो ग्लूकोज का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएंगी और ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड दिस इज़ कॉल्ड लैक्टिक एसिड अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने पॉइंट से अलग आते हैं अपने टॉपिक से अलग आते हैं और ये हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम कोई फ़िज़िकल वर्क करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर टायर्डनेस आ गई हमारी बॉडी के अंदर थकावट डेवलप हो गई और जब हम आराम करते हैं तो हमारी वो टायर्डनेस क्या होती हैं ख़त्म हो जाती हैं कभी आपने सोचा कि हमारे बॉडी के अंदर फिज़िकल लेवर फिज़िकल एक्टिविटी के बाद टायर्डनेस क्यों आती है बहुत ही सिंपल रीज़न है कि जब हम फिज़िकल वर्क करते हैं तो उसके लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होगा और हमारी बॉडी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करती हैं और उस ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज्म से एटीपी प्रोड्यूस होती हैं और हमारी बॉडी इस एटीपी का यूज़ करती हैं एज ए एनर्जी लेकिन जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उस समय ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड या कह सकते हैं लैक्टेट ये जो लैक्टेट होती हैं ये मसल्स के अंदर डिपोजिट हो जाती हैं और जब ये मसल्स के अंदर डिपोजिट हो जाती हैं तो इसी लैक्टेट या इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी के अंदर टायर्डनेस या थकावट महसूस होता है हमारी बॉडी इस लैक्टिक एसिड को एक्सक्रीट करती हैं और जब ये लैक्टिक एसिड या लैक्टेट एक्सक्रीट हो जाती हैं तो उस कंडीशन के बाद हमारी बॉडी अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाती हैं अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज जो सॉरी जो एस्प्रीन है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर रहा है और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं लैक्टिक एसिड अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी ब्लड के पीएच को अफेक्ट करेगा और ब्लड के पीएच को डिक्रीज़ करेगा मीन से ब्लड को एसिडिक ले जाएगा और इस तरह की जो एसिडिटी ब्लड में प्रोड्यूस होगी उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज़ द मेटाबोलिक एसिडोसिस अब दो वर्ड हम लोगों ने आज नया वर्ड समझा एक को कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू रेस्पिरेशन जब ब्लड का पीएच एच एसिडिक होगा तब उसे कहेंगे इट इज़ द रेस्पिरेटरी एसी और ड्यू टू मेटाबोलिज ब्लड का पीएच डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे मेटाबोलिक एसिडोसिस और इसी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक एक और वर्ड यूज करेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हम लोगों ने यह देखा कि बॉडी के मेटाबॉलिक इफेक्ट का क्या असर होता है अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि एस्प्रीन का डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है ऑन द एसिड बेस बैलेंस मींस इन therapeutic dose it will cause respiratory acidosis and then it will produce respiratory alkalosis further yadi hum iske dose ko toxic level tak le jate hain to fir ye respiratory acidosis or metabolic acidosis produce karta hai अब क्या हो गया कि जब हम इसके dose को increase करेंगे मीन्स जब ये toxic dose होगा तो हमारे body के अंदर हम जान चुके हैं ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारे इस लैक्टिक एसिड के अलावा और भी कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं और उन प्रोडक्ट का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरिक एसिड लैक्टिक एसिड अब ये जो बाई प्रोडक्ट हैं ये हमारे ब्लड के एसिडिटी को मीन्स वहाँ वो एसिडोसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरा हम लोग इफेक्ट स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारी एस्प्रिन है वो हमारी एस्प्रिन वैशो मोटर को डिप्रेस करेगी वैशो मोटर को डिप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो हमारी या ब्लड सर्कुलेशन डिप्रेस हो जाएंगी और जब ब्लड सर्कुलेशन डिप्रेस होगी तो ऑटोमेटिकली जो रीनल फंक्शंस हैं मीन जो किडनी का जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा इसका नतीजा क्या हो गया कि हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीशन है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर बॉडी से बाहर एक्स निकल रही हैं वो एक्सक्रीशन भी हमारी स्टॉप हो जाएंगी या वो एक्सक्रीशन हमारी डिक्रीज हो जाएगी नतीजा कि जो ये एसिड की फॉर्मेशन हो रही हैं ये फॉर्मेशन हमारी बॉडी में तो हो रही हैं लेकिन बॉडी से ये नहीं हो रही हैं और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो गया दैट विल कॉज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डोसेस से कि जब टॉक्सिक डोज होगा तो इट विल कॉज सॉरी इट विल कॉज एसिडोसिस इट मे बी इट विल बी मेटाबोलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर एसप्रीम का क्या इफेक्ट होता है ऑन द मेटाबोलिक रेट सबसे पहला हु, हुआ कि इट कॉज डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मीन्स कि वाटर की कमी उसके बाद ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया रीनल फेलियर हो गया तो साल्ट रिटेन हो जाएगा वाटर रिटेन हो जाएगा और हमारे बॉडी में एडिमा डेवलप हो सकता है और लास्ट में हो गया दैट कॉज द हाइपर यूरिशेमिया मीन्स ब्लड के अंदर यूरिया का या यूरिक एसिड का जो लेवल होगा वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि एस्प्रिन इज नॉट एज सेफ जितना सेफ हम उसे समझते हैं ऑन द रेस्परेटरी सिस्टम एंड ऑन द मेटाबोलिक सिस्टम अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं दैट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट कि एस्प्रिन हमारे जी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है यदि हम इन देखें बुक में देखेंगे तो बहुत ही सिंपल कि ये हमारे जी के अंदर गैस एपी डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करता है नोजिया प्रोड्यूस करता है और वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है दो वर्ड तो बहुत सिंपल है कि ये नोज़िया प्रोड्यूस कर रही हैं और ये वोमिटिंग प्रोड्यूस कर रही हैं अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है सबसे पहला पॉइंट कि जो एस्प्रिन है इस एस्प्रिन के मेटाबोलिन से एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सेलिसाइलिक एसिड और इस सेलिसलिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये सेलिसाइलिक एसिड जीआईटी टी के वाल को इरिटेट करती हैं मीन्स वहाँ पे वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे और जब ये स्पेशली इन द स्टमक कि जब ये स्टमक के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे तो नोज़िया और वोमेटिंग डेवलप होगा ये तो प्राइमरी रीज़न है हम हर कोई जान जानते हैं कि कोई भी हम एस्प्रीन बॉडी में डालेंगे तो वहाँ पे वो सेलिसलिक एसिड प्रोड्यूस करता है सेलिसाइलेट्स प्रोड्यूस करता है और वो सैलिसाइलेट्स हमारे बॉडी के अंदर इरिटेशन मीन जी आई में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं अब हम लोग तो थोड़ा सा इसी चीज़ को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग पिछली क्लास में प्रोस्टाग्लैंडीन के बारे में जाना था कि प्रोस्टाग्लैंडीन क्या होता है और प्रोस्टाग्लैंडीन की क्या सिंथेस, कैसे सिंथेसिस होती हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा वहाँ से आप उसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं अभी हम लोग उसी को कंक्लूड करते हैं कि हमारे बॉडी के द्वारा एक केमिकल सिक्रीट की जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन अब ये प्रोस्टाग्लैंड डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे यहां पे कुछ नाम दिया गया दैट इज दी जी आई टू प्रोस्टा साइक्लिन सेकंड इज द प्रोस्टाक E2 इन दैट इज द पी जी एंड प्रोस्टाक एफ2 दैट इज द पी ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल जानकारी हासिल कर चुके हैं आज सिर्फ हम लोग नाम जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोस्टाक हैं उनमें से ये तो तीन प्रोस्टाक हैं दैट इज द पी जी ई टू पी जी आई टू एंड पी जी एफ टू इन प्रोस्टेगलैंड का जो हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इसका मेन पर्पस या मेन फंक्शन होता है कि हमारे जीआईटी के अंदर म्यूकोसा के सिंथेसिस को मीन जो जीआईटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो म्यूकस होलिंग है उस म्यूकस के सिंथेसिस को ये इंक्रीज करता है दूसरा फंक्शन कि हमारे जी के अंदर जो ब्लड फ्लो है इस म्यूकोसल सेल में उन ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज करेगा और तीसरा फंक्शन कि हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जो एसिड का सिक्रेशन हो रही हैं उस एसिड के सिक्रेशन को ये डिक्रीज करता है अब इससे क्या हो गया कि इनका क्या यूज है सपोज करें कि प्रोस्टाग्लैंड ने हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस को सिंथेसाइज कर दिया अब इस म्यूकस का क्या रोल है थोड़ा सा हम लोग अब फिर से स्टॉप करते हैं अपने टॉपिक को और एक जनरल बातें करते हैं जैसे सपोज़ कीजिए हम सभी जानते हैं हम लोग सभी ने फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिड सिक्रिट होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इसके अलावा एंजाइम सिक्रिट होता है पेप्सिन जिसे हम लोग यूज करते हैं यह हमारी बॉडी यूज करती है टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स अब देखिए अब ये जो एसिड है और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले रही हैं हम यदि अपने बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर एसिड को रखेंगे हम सभी जानते हैं कि हमारी स्टमक के अंदर एसिड की शिक्रशन होती हैं और पेप्सिन की शिक्रशन होती हैं ये एसिड और पेप्सिन हमारे बॉडी के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है मींस जो फूड की प्रोटीन्स हैं उस प्रोटीन्स को ये दोनों डाइजेस्ट करते हैं अब हम ये भी जानते हैं कि हम यदि हम अपने स्किन के ऊपर एसिड को डालते हैं तो स्किन की बर्निंग होती है वहाँ पे जलन होती है स्किन की जो सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोटी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी की वो प्रोटीनस इन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं तो ये प्रोटीन और ये एसिड हमारे फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले रही हैं ये एसिड और पेप्सिन हमारे फूड के प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर दे रही हैं एसिड उस प्रोटीन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है लेकिन यही एसिड और प्रोटीन जब स्टमक के वाल के कांटेक्ट में आ रहा है तो उन वाल को ये डाइजेस्ट नहीं कर रही हैं उन वाल को ये डैमेज नहीं कर रही हैं अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि एसिड स्किन जो एक टफ पार्ट है उसको तो ये बर्न कर रही हैं उसको डैमेज कर रही हैं लेकिन स्टमक के वाल को ये दोनों डैमेज नहीं कर रहे हैं उसका क्या कारण है उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि हमारे स्टमक के दीवाल पे, इंटरनल वाल के अंदर म्यूकस का लेयर होगा और ये म्यूकस जो होंगी वो म्यूकस हमारे स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम एसिड एंड पेप्सिन और नतीजा क्या होता है कि एसिड और प्रोटीन स्टमक के वाल को डैमेज नहीं कर पा रही हैं हम लोगों को ये भी मालूम है कि जो एस्प्रिन होती हैं ये जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं एनालजेसिक इफेक्ट वो करती हैं बाय ब्लॉकिंग द प्रोस्टाग्लैंड की जो प्रोस्टा प्रोस्टाग्लैंड की सिंथेसिस है उस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये ब्लॉक करती हैं और उसके द्वारा ये एनालैसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं लेकिन यदि ये प्रोस्टाग्लैंड ब्लॉक हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक के अंदर जो बहुत सारे ये हमारी पी जी आई टू थी पी जी ई टू हैं या पी जी एफ टू हैं इन पी जी आई टू पी जी ई टू और पी जी एफ टू का भी सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा नतीजा क्या होगा कि बॉडी के अंदर म्यूकस का या स्टमक के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन या म्यूकस का सिंथेसिस से नहीं होगा वहाँ पे जो प्रोस्टागलैंड थी वो प्रोस्टागलैंड ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर रही है तो वहाँ ब्लड का जो फ्लो होगा वो ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा नतीजा कि जैसे ही म्यूकस का लेयर थीन होगा म्यूकस की जो थिकनेस होगी वो थिकनेस कम हो जाएंगी जब वो म्यूकस की थिकनेस कम हो जाएगी स्टमक और इंटेस्टाइन में तो ये जो हमारी जो एसिडिक पोर्शन था ये जो हमारी जो एंजाइम थी वो एंजाइम अब स्टमक के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगी और जब उसको वो डैमेज करना शुरू करेंगी तो वहाँ पर एक डिजीज डेवलप होगा जिसको डे हम लोग कहते हैं अल्सर इट इज़ कॉल्ड अल्सर मीन से यदि हम एस्प्रिन का ज्यादा डोज लेंगे या हायर डोज लेंगे या टॉक्सिक डोज लेंगे या कंटिन्यूस लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम इसका यूज करेंगे तो हमारे बॉडी में या हमारे स्टमक में ये अल्सर डेवलप कर सकती हैं तो ये हमारा इसका एक, एक टॉक्सिक इफेक्ट हो गया कि इट प्रोड्यूस अल्सर और इसके अलावा ये हमारे ये जो पेप्सिन होगी ये जो एसिड होंगी वो जीआईटी के वाल को इरिटेट करेंगी और उससे नोजिया और वॉमिटिंग डेवलप होगा मीन्स तीन का काम हो गई पहला नवजिया होगा दूसरा वॉमिटिंग डेवलप होंगी और तीसरा स्किन जो स्टमक का वाल है वो डैमेज होगा और वहाँ पे अल्सरेशन डेवलप हो जाएंगी वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा अब यहाँ पे एक वर्ड है एपी गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस ये एपी गैस्ट्रिक क्या है हम सभी जानते हैं कि जब भी हम वर्ड गैस्ट्रिक यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या होता है इट इज़ रिलेटेड विद द स्टमक मीन्स ये स्टमक रिलेटेड है और वर्ड क्या है एपी गैस्ट्रिक एपी का मतलब होता है अपर पोर्शन मीन्स जो हमारा स्टमक है इस स्टमक का जो अपर पोर्शन है इसे हम लोग कहेंगे एपी गैस्ट्रिक एरिया तो ये एपी गैस्ट्रिक एरिया को डिस्टर्ब करती हैं और वह उस डिस्टर्बेंस से नोज़िया डेवलप होता है और उसी डिस्टर्बेंस से वोमिटिंग डेवलप होता है तो हम लोगों ने ये जाना कि एस्प्रीन या जो इसकी सैलिसाइलिक एसिड है वो सैलिसाइलिक एसिड हमारे जी आई टी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है एक और कारण है इस दूसरा कारण क्या होगा कि जो एक एस्प्रिन है वो स्प्रिन इट इज एसिडिक इन नेचर कि वो एसिडिक इन नेचर है और जब एस्प्रीन जो एसिटाइल सेलिसलिक एसिड है वो जब स्टमक के अंदर रहेंगी तो वहाँ पर ये अनआयोनाइज्ड स्टेट में रहेंगी अनआयोनाइज्ड आयोनाइज मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर आयोनाइजेशन नहीं होगी और ये म्यूकस लेयर के जो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो म्यूकस लेयर बची हुई हैं उन म्यूकस लेयर के में ये स्टिक हो जाएंगी नतीजा कि वहाँ के एसिडिटी को ये और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी मींस एक तो हो गया कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही हैं उससे एसिड का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया दूसरा कि वहाँ म्यूकस का फॉर्मेशन कम हो गया और तीसरा कि जो आइसप्रीन इट है वो स्टमक के अंदर अन फॉर्म में है और वहाँ पर वो एसिडिटी प्रोड्यूस कर रही हैं और इसका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा कि हमारी जो स्टमक की एसिडिटी है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी दैट विल हेल्प और दैट विल प्रोमोट अल्सरेशन इन द स्टमक तो अब देखते हैं कि इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया कि इट कॉज नेक्रोसिस नेक्रोसिस मतलब कि डैमेज ऑफ सेल्स इरिटेट गैस्ट्रिक वॉल डेवलप गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस प्रोड्यूस गैस्ट्राइटिस 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 मतलब गैस्ट्रिक मतलब स्टमक और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन मीन्स से स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन होगी पेप्टिक अल्सर डेवलप होगा हिमरेज होंगी हिमरेज का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे हल्का फुल्का उसके अंदर डैमेज होगा और उसके चलते वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी जो स्टमक होगा वहाँ पे ब्लीडिंग होगी और उससे ब्लीडिंग से वो जो ब्लड होगा वो ब्लड हमारे स्टूल में आएगा और स्टूल से ब्लड एक्सक्रीट होगा इसके अलावा ये वॉमिटिंग प्रोड्यूस करेंगी और वॉमेटिंग में भी ब्लड आ सकती हैं और उसे कहेंगे हीमो हीमोस्टीएमेसिस एमेसिस मीन्स वॉमेटिंग और हीमो हीमीन्स ब्लड की ब्लड की वॉमिटिंग होगी तो उसका नाम होगा हीमेटो इमेसिस और इस तरह से हमने देखा कि जो एस्प्रिन है उस एस्प्रिन का हमारे जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मैन्युफैक्चरर हमारे जो फार्मासिस्ट या हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बफर्ड एस, स्प्रिन बनाते हैं बफर्ड स्प्रिंग से कि वैसा स्प्रिन जो स्टमक के अंदर एसिडिटी को कम करे या वो कोटेड स्प्रिन बनाएंगे कोटेड में से ऐसा स्प्रिन जो स्टमक में डिजोल्व ना होकर के इंटेस्टाइन में जाकर डिजोल्व होगा इसके द्वारा हम लोग मार्जिनली जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को हम लोग एवॉड कर सकते हैं तो ये हम लोगों ने जाना इफेक्ट ऑफ द एस्प्रिन ऑन द जी आई टी अब ये प्रिकॉशन या ये इफेक्ट और ज़्यादा एग्जग्रेट हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है यदि पेशेंट का एज 60 इयर्स से ज़्यादा है या ओल्ड एज पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जिनको ऑलरेडी जीआईटी का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये जो और ये जो सारी जो साइड इफेक्ट्स हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा एग्जग्रेट हो जाएंगे और उसकी एग्जग्रेशन को रोकने के लिए हमें ध्यान कोशिश करना चाहिए कि एज्ड पेशेंट को जब हम एस्प्रीन दे रहे हों तो हमें प्रिकॉश प्रिकॉशन रखना हो कि ये सारी प्रॉब्लम डेवलप ना हो और दूसरा कि यदि पर्सन को ऑलरेडी जीआईटी प्रॉब्लम पहले से ही है तो उस कंडीशन में भी एस्प्रिन को हमें एवॉयड करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एस्प्रिन बनाया जिसे हम लोग कहते हैं बेबी एस्प्रिन बेबी एस्प्रिन मीन से कि जो यूजल डोज है एस्प्रिन का वो हमारा थ्री मिलीग्राम होता है लेकिन यहाँ पर बेबी एस्प्रिन होती हैं वहाँ पर जो डोज होता है दैट इज़ द 75 मिली स हम 75 मिलीग्राम का डोज उनको दे सकते हैं टू तो प्रोड्यूस द अदर इफेक्ट अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज द इफेक्ट ऑफ एसप्रिन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया इफेक्ट ऑफ एफेक्ट एस्परिन ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट ऑफ एस्परिन ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ ए ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम मीनस जी आई टी अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट के ऊपर हम सभी जानते हैं कि एस्प्रिन का यूज़ हम लोग पिछले दो सौ साल से करते आ रहे हैं इसका मेन यूज होता है दैट इज़ द एना जे हम इसे एना जेसिक के रूप में यूज करते हैं लेकिन इसका एक और थेरापटिक यूज़ है कि ये हमारे यदि कोई पर्सन हर्ट पेशेंट है उनके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो ठीक हो गया है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई है या ब्लड की जो क्लॉटिंग हो रही है वो क्लॉट बन जा रहा है ब्लड वेसल्स में तो ये हम लोग एस्प्रिन यूज करते हैं एज ए ब्लड थीनर के ब्लड को थीन करता है मीन्स ब्लड के क्लॉट को बंद करता है ताकि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट स्ट्रोक ना हो तो जब हम थेराप्यूटिक डोज लेते हैं उस थेराप्यूटिक डोज में एज सच इसका कार्डियो सिस्टम कार्डियोस्कुल वोस्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं होता है लेकिन यदि हम हायर डोज देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारे क्या होता है हाईडोज में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है उस मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज़ कर देगा नतीजा क्या हो गया कि बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएंगे और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ रेस्परेशन भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो ब्लड की सप्लाई होगी वो ब्लड की सप्लाई भी बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि जो हार्ट रेट है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा ताकि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हो सके to maintain the metabolic effect or to supply the oxygen to that organ. दूसरा हो गया कि जब इसे हम लोग लार्ज डोज में देंगे तो वहाँ पर ये वैशो डाइलेशन भी प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सके। तो दीज आर अदर इफेक्ट ऑफ द एस्प्रिन और इसी इफेक्ट के चलते ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है ध्यान रहे कि ये डायरेक्टली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन इसकी जो दूसरी इफेक्ट्स है कि देथ इज द इंक्रीज इन मेटाबोलिक रेट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उसके लिए ब्लड वैसो डायलेशन होंगी और उससे क्या होगा कि जो कार्डियोवास्कुलर है उसको हार्ट रेट को अपना इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो सफिशियंट ब्लड को सप्लाई बॉडी में कर सके जब हम टॉक्सिक डोज देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा हम लोग जान चुके हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को ये डिप्रेस करेगा वैसो मोटर सेंटर को ये डिप्रेस करेगा और उससे हमारे क्या होगा कि जो वैसो डायलेशन हो रही हैं और डायलेशन होने से ये हाइपोटेंशन भी प्रोड्यूस करेगा बट इट दिज ऑल इफेक्ट कम कब कब आएगा जब हम एस्प्रीन का टॉक्सिक डोज बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट पे दैट इज इफेक्ट ऑन द किडनी और इफेक्ट ऑन द रीनल सिस्टम अब देखिए यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडीन है दैट इज द पी जी आई टू पी जी आई टू इस पी जी आई टू का एक फंक्शन ये भी है कि इट मेंटेन द रीनल ब्लड फ्लो मीन्स जो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो हो रही है उस ब्लड फ्लो को ये मेंटेन रखता है इसके अलावा जब हम एस्प्रिन देंगे तो उस समय क्या होगा कि हमारी जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएंगे क्यों ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएंगे इन द रीनल सिस्टम क्योंकि वहाँ पे पी का सिंथेसिस ब्लॉक हो गया और जब पी का सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा ब्लड फ्लो कम हो जाएंगी किडनी के अंदर तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा ये डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि यूरिन का एक्सक्रीसन भी डिक्रीज हो जाएगी और जब यूरिन की एक्सक्रीसन डिक्रीज होगी तो बॉडी में वाटर सोडियम या अदर इलेक्ट्रोलाइट्स का एक् कोमुलेशन हो जाएगा और उससे हमारे बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाएंगे और जब सोडियम का एक्मलेशन होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज़ द हाइपर कैलेमिया की बॉडी में हाइपर कैलेमिया हो गया मैं सोडियम लेवल इंक्रीज हो गए अब कॉन्ट्राइंडिकेशनस क्या क्या हैं कॉन्ट्राइडिकेशंस मीनस कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं कि यदि किसी पर्सन का कॉन्जेस्टिव रीनल फेलियर है अब देखिए यहाँ वर्ड है एक तो वर्ड होता है दैट इज़ द रीनल फेलियर कि हमारा जो किडनी है वो काम नहीं कर रहा है दूसरा हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्जेस्टिव रीनल फेलियर जब हम वर्ड कॉन्जेस्टिव रीनल फेलियर कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड सर्कुलेशन के चलते हमारा रीनल फेलियर हो रही है हमें सफिशेंट ब्लड सप्लाई किडनी में नहीं हो रहा हो तो उसे कहते हैं कॉन्जेस्टिव रिनल फेलियर यदि कोई पेशेंट ऑलरेडी कॉन्जेस्टिव रिनल फेलियो के सफर कर रहा है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम एस्प्रीन नहीं देंगे हाइपोवेलीमिया हो गया इसमें कंडीशन नहीं देंगे इस जब हम किसी पेशेंट को एस्प्रिन दे रहे हैं तो उसको हम किसी दूसरे सेलिसाइलेट्स ड्रग या पैरासिटामोल के साथ हम उसे कंबाइन नहीं करेंगे यदि हमने एस्प्रिन को पैरासिटामोल या किसी दूसरे सेलिसाइलेट्स के साथ कंबाइन कर लिया तो वहां पर यह नेक्रोसिस प्रोड्यूस करेगी नेक्रोसिस मीन से सेल का डैमेज होगा नेफ्रोसिस प्रोड्यूस करेगी नेफ्रोसिस मतलब नेफ्रोन है उस नेफ्रोन का डैमेज होगा एक और प्रिकॉशन रखना है हम सभी जानते हैं कि स्प्रिन का यूज हम लोग पेन को कम करने के लिए करते हैं एज ए एनाल और इसको बेस्ट मेडिसिन माना गया है टू ट्रीट द रूमेटॉयड अर्थराइट इसके रिमेटॉयड में जो ज्वाइंट्स के अंदर पेन हो रही हैं उस पेन को कंट्रोल करने के लिए एस्प्रेन इज द बेस्ट मेडिसिन लेकिन यदि जॉइंट्स में पेन हमारे गॉट के चलते हो रही है नॉट ड्यू टू र्यूमेटिज इट इज़ ड्यू टू गोट तब यदि कोई मतलब गोट का पेशेंट है तो उस गोट के पेशेंट को हम एस्प्रेन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि जो गोट डिजीज है इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द यूरिक एसिड और यूरेट या यूरेट के यूरिक एसिड के लेवल के इंक्रीज होने से ये यूरेट की जो क्रिस्टल होती हैं वो ज्वाइंट्स में डिपोजिट हो जाती हैं और ज्वाइंट्स में डिपोजिट होने से वो ज्वाइंट्स में पेन प्रोड्यूस करती हैं और उसके लिए जो डिजीज नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड गॉट जिससे हम लोग कहेंगे इट इज गॉट अब हम यहाँ पे ये भी जान चुके हैं कि जो एस्प्रिन होता है वो एस्प्रिन हमारे एक्सक्रीशन के रेट को डिक्रीज करता मींस यूरिन के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करेगा मीन्स वो यूरिक एसिड और यूरेट के एक्सक्रीशन को भी कम कर देगा मीन्स जब एस्प्रिन देंगे तो बॉडी के अंदर यूरेट का जो लेवल होगा वो यूरेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा मीन्स ज्वाइंट में जो यूरिक एसिड जो हमारे यूरेट डिपोजिट हो रही हैं वो डिपोजिशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे मीन्स यदि हम गॉट के पेशेंट को एस्प्रीन दे, दे देंगे तो ये जो गॉड होगा वो और ज़्यादा एक्टिग्रेट हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे मीन्स गॉट के चलते जो पेन हो रहा हो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एस्प्रेन का यूज नहीं करते अब हम आएंगे नेक्स्ट दैट इज द हिपैटिक इफेक्ट मीन्स एस्प्रीन का लीवर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है देखिए यहाँ पे एक बात को बहुत ध्यान रखना है कि लीवर के ऊपर स्पेशली हम स्प्रीन को चैल चिल्ड्रेन या एडोलिसेंट एज में पेशेंट को नहीं देते स्पेशली यदि कोई वायरल डिजीज़ हो रहा है मीन्स वायरल इन्फेक्शन हो गया जैसे कि चिकन पॉक्स है या इन्फ्लुएंजा है या हमने वैक्सीनेशन किया इन्फ्लुएंजा के लिए या चिकन पॉक्स के लिए उस कंडीशन में हम स्प्रीन का यूज नहीं करेंगे टू एज एन जैसे कारण क्या होगा कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं ये वायरल इन्फेक्शन हमारे लीवर को भी अफेक्ट करती हैं लीवर को भी डैमेज करती हैं और ये हमारे सी एन एस के ऊपर भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऐसा पाया गया है कि जो जब हम किसी वायरल फीवर में एस्प्रिन को देते हैं तो वहाँ पर वह एक डिजीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं राइज सिंड्रोम रेज सिंड्रोम और इस रेस सिंड्रोम में क्या होगा कि वो जो सी होगा वो सी से प्रॉपर काम नहीं करेगा जो लीवर होगा उस लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है मीन्स ये वायरल फीवर के अंदर लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन हो रहा है और ये हमारे ब्रेन को सी को भी अफेक्ट कर रहा है यदि हमने वायरल के समय में स्प्रिन यूज़ कर लिया तो उस कंडीशन में जो एस्प्रिन होगा इट विल कॉज राइज सिंड्रम और उससे क्या होगा कि हमारे लीवर के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी फैट्स डिपोजिट हो, हो जाएंगे और हमारे वहाँ पे फैटी लीवर डेवलप हो जाएगा जिसे हम लोग नाम देते हैं टेक्निकली हिपैटिक एसटीओसिस हिपैटिक एसटीओसिस और ये हमारे जो मेंटल लेवल है उस मेंटल लेवल या मेंटल स्टेटस को भी अल्टर कर देगा आज की सिनेरियो में जैसे कि पर्सन को कोविड हो गया कोरोना वायरस हो गई उस कंडीशन में अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम एस्प्रिन का यूज करें या ना करें ये थोड़ा सा टॉपिक अपने अलग हट रहे है कि कोविड में एस्प्रिन का यूज की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए क्यों तो क्योंकि कोविड का एक प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे वो ब्लड को क्लॉट कर देता है जब ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट करता है और इस ब्लड के क्लॉट को रोकने के लिए हम एस्प्रिन का यूज कर सकते हैं या करते हैं लेकिन जब हम इस एस्प्रिन का यूज करेंगे इन वायरल फीवर या इन कोरोना उस कंडीशन में ये स्प्रिन चूँकि वायरल कोरोना एक वायरल है तो वह यह हमारे लीवर के फैटी एसिड्स के मेटाबोलिज्म का अफेक्ट करेगा और मेंटल को भी स्टेटस uh, को भी अलर्ट करेगा इसके चलते स्प्रीन का यूज कोविड के समय में बहुत सावधानी से की जानी चाहिए देखिए और राइस सिंड्रोम का क्या क्या सिम्टम्स है तो राइस सिंड्रोम का सिम्टम है कि वोमिटिंग स्टार्ट करेगा डिसोरियनटेशन होगा मीन्स जो ब्रेन होगा वो ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा कंफ्यूजन होगी डिलेरियम होगी सीजर मीन्स कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है जो पर्सन होते हैं वो पर्सन बेहोश हो सकते हैं और इसका जो मेन इफेक्ट है दैट इज़ द ऑन द लीवर कि लीवर में ये फैटी एसिड के मेटाबोलिन को इनहिबिट करता है लीवर के अंदर फैट को एकूमलेट करता है हिपैटिक एस्टिशिस प्रोड्यूस करता है और जो जो अलर्टनेस है मेंटल स्टेटस है उस मेंटल स्टेटस को भी अफेक्ट करेगा इसका डिटेल हम यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे डिटेल हम राइस सिंड्रोम का एक अलग वीडियो बनाएंगे वहाँ पे हम जानेंगे कि राइस सिंड्रोम क्या होता है और एस्प्रिन उसका किस तरह से अफेक्ट करता है अब आई बारी लास्ट इफेक्ट की दैट इज़ द गेस्टेशन एंड लेबर पहले हम लोग ये जानते हैं कि गैस्टेशन और लेबर वर्ल्ड का क्या मीनिंग है कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होती हैं कि हमारी बॉडी की जो एम्ब्रियो हैं और जो है लेड प्रेगनेंट लेडीज़ में उस फिटस की जो डेवलपमेंट पीरियड है जो नाइन मंथ की पीरियड है उस पीरियड के को डिनोट करने के जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द गेस्टेशन और जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय जो पेन प्रोड्यूस होता है टू डिलीवर बेबी उसके जो जो पेन डेवलप होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज द लेबर तो अब ये जो प्रोस्ट सॉरी जो हमारा एस्प्रिन है वो गैस्टेशन को भी अफेक्ट करता है और लेबर को भी अफेक्ट करता है आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से एस्प्रिंग गैस्टेशन और लेबर पीरियड को अफेक्ट करता है देखिए गैस्टेशन में क्या कहा जा रहा है कि जो इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट है कि इट इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इट इंक्रीज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज, इट जनरेट एटीपी और जब एटीपी जनरेट होगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और वह हाइपोथर्मिया प्रोड्यूस करेगा अब ये सारी चीजें डेवलप होंगी तो वो रेस्पिरे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी लेडी की बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएंगी मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएंगी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगी तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें एस्प्रीन का यूज एवॉयड करना चाहिए दूसरा क्या हो गया कि जो एस्प्रिन है इस एस्प्रिन को हम लोग जानते हैं कि इसका यूज हम लोग करते हैं एज ए एनालजेसिक और ये एज एनालजेसिक कब काम करेगा कैसे काम करेगा तो बाय ब्लॉकिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंड अब ये जो प्रोस्टाग्लैंड होती हैं इसका मेन पर्पस होता है कि टू डेवलप पेन इन द बॉडी अब लेबर के समय बॉडी में पेन डेवलप हो रही है और प्रोस्टाग्लैंड डेवलप हो रही हैं अब जब हम स्प्रिन दे देंगे तो बॉडी जो होगा प्रोस्टाग्लैंड को सिंथेसाइज नहीं करेगी मीन्स कि डिलीवरी के समय जो लेबर पेन हो रही होंगी वो लेबर पेन ब्लॉक हो जाएंगी और जब लेबर पेन ब्लॉक हो जाएंगी नतीजा क्या होगा कि बेबी बे, बे के डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती हैं मीन्स क्या हुआ अल्टीमेट इफेक्ट है? लास्ट इफेक्ट है? कि ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड और ड्यूरिंग द लेबर हमें स्प्रिन को एवॉयड करनी चाहिए तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि एस्प्रीन का क्या टॉक्सिक इफेक्ट है क्या साइड इफेक्ट है और अलॉन्ग विस्प्रीन का क्या इफेक्ट है क्या यूज है आज हम लोग अपने इस क्लास को यहीं बंद करते हैं एक इसमें टॉपिक रहेगी दैट इज दैलिज्म उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेली क्या होता है मैं उम्मीद करता हूं कि सारी पॉइंट को समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ यदि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए आपको इंटरेस्ट बना रहा तो आप अगले वीडियो को भी जरूर देखें और यदि आपको कोई डाउट्स हैं कोई क्वेश्चंस हैं कोई क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखें मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा थैंक्स अलॉट